Friends, today we are going to learning about the levels of the ecology part 2. Here we study about the ecosystem. Previous video में ऐसा ecosystem या कुछ levels पढ़ी हुई थी जिनमें species, population, community पढ़ी हुई. हाँ ऐसा चाहूँगा ecosystem दे. Ecosystem में ऐसा simply चाहूँगा where living organisms interact with non-living कंपोनेंट. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लेन ते इन अर्थ ते मौजूद आ तो वो विदाउट इन्वायरमेंट जे विदाउट इकोसिस्टम जे जिंदा नथो रही सके. छो तो तकरीबन जेके तमाम शयूं आहिनि उहे उनखे नॉन लिविंग कंपोनेंट मां ई मिलंदियूं आहिनि. फॉर सपोज कयो अगरि उहो फूड वग़ैरह या ग्लूकोज़ वग़ैरह वठे थो त उहो प्लांट मां मिलंदो आहे. ऐं प्लांट जेको फूड यानी ग्लूकोज़ प्रोड्यूस कंदा आहिनि त उहो छाजे ज़रिए प्रोड्यूस कंदा आहिनि विद द हेल्प ऑफ लाइट. जेका सन मां रेव जे ज़रिए रोशनी जेका आहे उहा जॾहिं प्लांट जे लीव्स ते लॻे थी पननि ते लॻे थी त स्टोमेटा जेकी ओपनिंग डोर्स हूंदियूं आहिनि पन में त उहे लाइट खे अंदरि एब्ज़ॉर्ब थियूं कनि. ऐं लाइट अंदरि वञी करे कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर जो पाण में रिएक्शन थी कराए. फॉर सपोज़ कयो ॾिसो हेॾे तव्हां थोरो त कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर जे विच में रिएक्शन थो थिए. उन खां बाद में छा थो थिए ग्लूकोस मालिक्यूल. हिनखे तव्हां बैलेंस करे सघो था. प्लांट यूज़ कंदा आहिनि लाइट खे, लाइट जे रेस खे यूज़ कंदा आहिनि. लाइट जॾहिं पननि ते पवंदी आहे त उहो पननि जो जेको स्टोमेट आहे जेके गार्ड्स जिन जे ॿाहिरियां मौजूदु हूंदा आहिनि उहे लाइट खे एब्ज़ॉर्ब कंदा अंदरि सेव था कनि. उन खां बाद में उते हिकिड़ा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट था थियनि जंहिंमें कार्बन डाइऑक्साइड जेके एनिमल जी हिकिड़ी वेस्ट प्रोडक्ट आहे जेका थ्रू दी नॉस्टल जे ज़रिए वापसि जिस्म खां ईंदी आहे. ऐं तव्हां इहो बि यादि रखी छॾियो जेका कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म खां ॿाहिरि निकिरंदी आहे उहा छाजे ज़रिए निकिरंदी आहे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. जॾहिं असां कोई बि फूड वग़ैरह खाईंदा आहियूं त उहो असांजे जिस्म में वेंदो आहे ऐं जिस्म में ब्लड में शामिलु थी वेंदो आहे. ब्लड में ग्लूकोज़ मौजूदु हूंदो आहे ऐं ब्लड जेको हूंदो आहे उहो ग्लूकोज़ जॾहिं सेलनि खे पुॼाईंदो आहे त सेल हिकिड़ो प्रोसेस कंदा आहिनि जंहिंखे असां चवंदा आहियूं सेल्युलर रिस्पायरेशन. सेल्युलर रिस्पायरेशन में छा थींदो आहे त जेका कार्बन डाइऑक्साइड आहे उहा कार्बन डाइऑक्साइड जीअं ग्लूकोज़ में मौजूदु हूंदी आहे त ग्लूकोज़ ऑक्सीजन जी मौजूदगी में टुटंदो आहे. मतिलबु असां खाधो असां साहु खणूं था त खाधो असांजे जिस्म में वियो सेलनि में वियो माना ग्लूकोज़ असांजे सेल में वियो उते छा थो थिए हीअ ग्लूकोज़ ऑक्सीजन जी मौजूदगी में टुटे थो त एज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ॿाहिरि निकिरे थी जेका छा थींदो आहे जेका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जेको हर्ट में वेंदो आहे उन खां बाद में हर्ट वरी लंग्स ॾे मोकिलींदी आहे ऐं लंग्स जेको हूंदी आहे उनखे एज़ अ ॿाहिरि एक्सक्रीट करे छॾींदी आहे. त अहिड़े तरीक़े सां कार्बन डाइऑक्साइड वरी जिस्म खां ॿाहिरि निकिरी वेंदी आहे. त सिंपली असां पंहिंजे टॉपिक ते था अचूं. जॾहिं माना रेव लॻंदा आहिनि त उहे प्लांट वग़ैरह फूड प्रोड्यूस कंदा आहिनि उन खां बाद में असांखे ग्लूकोज़ मिलंदो आहे जेको असां वापराईंदा आहियूं. त जेके प्लांट आहिनि छो त प्लांट ऑटोट्राफन ते कनि मैन्युफैक्चर जहिड़ो ऑन फूड मटीरियल पंहिंजो खाधो पाण तयारु कंदा आहिनि त उहो बि पाण तॾहिं खाधो तयारु कंदा आहिनि जॾहिं उनखे लाइट या रेव लॻंदा आहिनि. लाइट उन्हनि ते एब्ज़ॉर्ब थींदी आहे उन्हनि जी मौजूदगी में रिएक्शन थींदो आहे एज़ अ माना लाइट जेका न कैटलिस्ट यूज़ थी थिए जीअं एंज़ाइम बॉडी में वर्क कंदो आहे एंज़ाइम एज़ एन रेट ऑफ रिएक्शन खे इंक्रीज़ कराईंदो आहे. सेम वे में जेको लाइट आहे उहो हिनखे इंक्रीज़ कराईंदी आहे रिएक्शन खे. उन खां बाद में असां खाधो खाऊं था. अहिड़े तरीक़े सां सपोज़ कयो जेको नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर सपोज़ कयो रेनफॉल न हुजे मतिलबु अगरि बरसाति न वसे त जेको वाटर साइकिल आहे अर्थ ते उहो स्टॉप थी वेंदो. वाटर साइकिल में छा थींदो आहे जेको पाणी समुंड में हूंदो आहे जॾहिं तमामु घणी टेम्परेचर थींदो आहे त जेको पाणी समुंड मां आहे उहो बाफ़ जे ज़रिए मथे वेंदो आहे इंटू द स्काए. उते थधो थियणु शुरू थींदो आहे आइस में कन्वर्ट थियणु शुरू थींदो आहे. उन खां बाद में आइस जेका हूंदी आहे उन में हीटअप थींदी आहे ऐं उहा बाद में आइस लिक्विड में चेंज थींदी आहे. उन खां बाद में बरसाति वसंदी आहे त बरसाति जेको हूंदी आहे उहा एज़ अ फ्लो ऑफ वाटर क्रिएट कंदी आहे जेको वरी माना रिवर्स में ऐं ओशंस में उहो पाणी ईंदो आहे. त इन तरीक़े सां जेको नॉन लिविंग कंपोनेंट आहिनि उन्हनि जो मेन रोल आहे. कोई बि ऑर्गेनिज़म इकोसिस्टम में तॾहिं रहंदो जॾहिं उनखे इन्वायरमेंट मिलंदो. मां तव्हांखे ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल ॿुधायां थो त अगरि तव्हांजो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मौजूदु न आहे फॉर सपोज़ कयो तव्हां इंटू द मून ते हलिया था वञो त मून ते कोई बि गैस वग़ैरह इन्वायरमेंट न आहे त उते तव्हां का बि शइ एज़ अ लाइफ तव्हां उते वधाए नथा सघो मतिलबु का बि लाइफ तव्हां उते प्रोड्यूस नथा करे सघो. अगरि तव्हां कोई उते ॿूटो पोखियो त उहो बि न थींदो छो त उते ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वग़ैरह अहिड़ियूं गैसूं मौजूदु न आहिनि त उते लाइफ वग़ैरह बि नथी थी सघे. त इकोसिस्टम में असां छा कंदासीं लिविंग ऑर्गेनिज़म जी इंटरएक्ट कंदा विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सां. त लिविंग ऑर्गेनिज़म्स खे असां ॿियो छा चवंदा आहियूं बायोटिक कंपोनेंट. लिविंग ऑर्गेनिज़म आर नोन इज़ आल्सो बायोटिक कंपोनेंट.
बायोटिक कंपोनेंट में मतलब जेके जानदार आहिन ओहे अची था वञन। बायो मींस लाइफ, लाइफ वारा कंपोनेंट जेके बन उनके असां बायोटिक कंपोनेंट था चऊं। जंहिंमें फॉर सपोज कयो एनिमल अची था वञनि, फॉर सपोज कयो प्लांट अची था वञनि, इन खां अलावा फंजाए, एलजी, बैक्टीरिया वग़ैरह इहे सभु छा में अची था वञनि, बायोटिक कंपोनेंट में, माना लिविंग जेके कंपोनेंट आहिनि। इन खां बाद में अगरि तव्हां सिर्फ़ु एनिमल ते अचो त उनमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स अची था वञनि, हर्बीवर्स अची था वञनि, ठीकु आहे, कार्निवर्स अची था वञनि, इहे सभु जो सभु हिन में बायोटिक कंपोनेंट में अची वेंदा। नॉन लिविंग कंपोनेंट में फॉर सपोज कयो इन्हनि खे असां बायोटिक कंपोनेंट चवंदा आहियूं। ए मींस नॉट, बायोटिक मींस लाइफ, जिन वटि लाइफ न हुजे, जिन वटि कोई रिस्पायरेशन करण जो, कोई ब्रीथ करण जो को मैकेनिज़म न हुजे, उनखे असां अबायोटिक कंपोनेंट चवंदा आहियूं। अबायोटिक कंपोनेंट में फॉर सपोज कयो से अची थो वञे लाइट, इन खां अलावा ह्यूमिडिटी, इन खां अलावा रेनफॉल, इन खां अलावा टेम्परेचर। त मेनी जेके थिंग्स आहिनि हिन एनवायरमेंट में जेके बि मौजूदु आहिनि, जेके जंहिं वटि लाइफ न आहे, जिन वटि कोई ब्रीथ करण जो मैकेनिज़म न आहे, उहे अबायोटिक कंपोनेंट में अची था वञनि। त अबायोटिक कंपोनेंट ऐं बायोटिक कंपोनेंट इहे हिक ॿिए ते डिपेंडेंट आहिनि। अगरि बायोटिक कंपोनेंट न हुजनि त अबायोटिक कंपोनेंट बि मुश्किल हुजनि। त अहिड़े तरीक़े सां बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड कंदा छा ते, अबायोटिक कंपोनेंट ते। उन खां बाद में हीअ इकोसिस्टम जेको हूंदो आहे, उहो हिकु कम्युनिटी जे बारे मां इकोसिस्टम जा मतिलबु टाइप थी सघंदा। फॉर सपोज़ कयो अगरि इकोसिस्टम कंहिं वाटर में अंदरि मौजूदु आहे त उनखे असां चवंदा आहियूं एक्वायोटिक इकोसिस्टम। एक्वायोटिक इकोसिस्टम मतिलबु जेको जेके लिविंग ऑर्गेनिज़म वाटर में मौजूदु हुजनि उनखे असां छा चवंदा आहियूं, एक्वायोटिक इकोसिस्टम। हाणे वाटर में खोड़ सारियूं अहिड़ी शयूं रहंदियूं, फॉर सपोज़ कयो तव्हां फाइलम पोरीफेरिया में वञो, जेके स्पंजिस आहिनि उहे वाटर में रहंदा आहिनि। इन खां अलावा इकाइनोडर्मेटा, जेके स्टार फिश वग़ैरह आहिनि, उहे सभु जो सभु वाटर में रहंदा आहिनि, त उहे बि हिकु लिविंग ऑर्गेनिज़म आहिनि, उहे बि वाटर खां सवाइ नथा रही सघनि। ऐं उते जेका आहे उनखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे उहा डिफ्यूज़्ड फॉर्म में मिलंदी आहे, यानी डिसॉल्व्ड वाटर में ऑक्सीजन मौजूदु हूंदी आहे जेका उहे हासिलु कंदा आहिनि। इन खां अलावा ॿियो जेको इकोसिस्टम आहे उहो आहे टेरिस्टल इकोसिस्टम। टेरिस्टल इकोसिस्टम असां उनखे चवंदा आहियूं जेको लैंड ते हुजे, ठीकु आहे, ज़मीन ते जेके इकोसिस्टम्स आहिनि उनखे असां टेरिस्टल इकोसिस्टम चवंदा आहियूं। फॉर सपोज कयो ग्रास लैंड इकोसिस्टम आहे, मतिलबु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु घास आहे, उहो ग्रास आहे, माना गाह आहे सिर्फ़ु। जीअं तव्हां मथिन इलाइक़नि में हली वञो, फॉर सपोज कयो कश्मीर लाइ था वञो, ऐं त उते जेके आहिनि जबलनि ते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गाह मौजूदु आहे, त उहे छा आहिनि, ग्रास लैंड इकोसिस्टम आहिनि। डेज़र्ट इकोसिस्टम मतिलबु जिथे डेज़र्ट हुजे, वाटर जो अमाउंट तमामु घटि हुजे, बारिश जो रेनफॉल तमामु घटि हुजे, फॉर सपोज कयो थर आहे, त इहो डेज़र्ट इकोसिस्टम आहे। त अहिड़े क़िस्म सां टेरिस्टल इकोसिस्टम थींदा आहिनि, उते जेके लिविंग ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि उन्हनि खे माना उहे जेके आहिनि उहे माना ज़मीन ते रहंदा आहिनि, हिन अर्थ जे सरफेस ते रहंदा आहिनि, ऐं उहे अर्थ जे सरफेस ते रही करे जेको रिस्पायर कंदा आहिनि उहो थ्रू लंग्स कंदा आहिनि। त टेरिस्टल इकोसिस्टम में जेके बि लिविंग ऑर्गेनिज़म हूंदा दे रिस्पायर बाय दी लंग्स। ऐं जेके एक्वाटिक इकोसिस्टम में हूंदा मोस्टली उन्हनि वटि छा हूंदा आहिनि, गिल्स हूंदा आहिनि। फॉर सपोज़ कयो फिशिज़ आहिनि उहे वाटर में रहंदियूं आहिनि त उन्हनि वटि लंग्स न आहिनि, पोइ उन्हनि जी जाइ ते छा आहिनि, उन्हनि वटि गिल्स मौजूदु हूंदा आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां मोलुस्का जेके आहिनि उन्हनि वटि गिल्स मौजूदु हूंदा आहिनि, या इकाइनोडर्मेटा वग़ैरह जीअं मिसाल तौर स्टार फिश आहे त उन में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम हूंदो आहे, जीअं फिशिज़ में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम हूंदो आहे, त अहिड़े तरीक़े सां उहो रिस्पायर कंदा आहिनि। सो दिस इज़ अ ब्रीफ एंड वेरी डिटेल लेक्चर अबाउट द इकोसिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।